आज हम मोमो बनाने के लिए रेसिपी कर रहे हैं, रेसिपी दे रहे हैं कुछ। हाँ, थोड़ा सा स्क्वैश लेना पड़ेगा, धो के रख दिया, और फ्लोर, मैदा और ऑनियन, और ये अजीनामोटो, ये है सॉल्ट, नून, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये है तेल, वेजिटेबल ऑयल। और इसको अब हम बारीक से पिल ऑफ करेंगे, इस स्क्वैश को अब पिल ऑफ करेंगे। हाँ, अब उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे, छोटा छोटा बारीक बारीक करके ग्रेडिंग करेंगे। जितना छोटा ग्रेडिंग हो उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद नमक थोड़ा सा भिगो के थोड़ी देर रख के इसके बाद ये निचोड़ देना है, ताकि सब ये इसका जूस निकल जाए, क्योंकि अगर जूस हुआ तो उसमें मोमो अच्छा टेस्टी नहीं होगा, और फिर पकने में थोड़ा ढीला भी होगा, अच्छा नहीं होगा। अब इसको हम ऑनियन बारीक करके मिंस करेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा से वो उसको छोटा 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 करके वो कीमा बोलते हैं इसको, कीमा तैयार करेंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे उस पहले के स्क्वैश के वो कीमा से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजीनामोटो, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तो क्या स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद जिंजर पेस्ट। जिंजर पेस्ट डालने का कारण है इसके टेस्ट अच्छा होगा, इसका फ्लेवर अच्छा होगा। और इसके बाद हम डालेंगे ये वेजिटेबल ऑयल, और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि प्रॉपरली इसमें सब मिक्स हो। उसके बाद हम मैदा को गूंद लेंगे, अच्छी तरह से टाइट करके गूंदना है इसको मैदा को। उसके बाद इसको छोटा 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 करके, जैसे हम लूची पूरी में और रोटी का बेलन करते हैं वैसे छोटा छोटा बॉल बनाना है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना हम रोटी में करते हैं और पूरी में करते हैं। उसको छोटा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ताकि ये मोमो टेस्टी हो। क्योंकि मोमो तो छोटा ही होता है ना, बड़ा बोलने से वो तो रोटी बन जाता है, तो मोमो भी बड़ा हो जाता है, उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए छोटा छोटा करके इसी करके ये मफिन बेलना है, राउंड राउंड करके बेलना है। अब उसके बाद हम ये मुक्तो में थोड़ा सा तेल देंगे, क्योंकि ये स्टिक ना हो। जब मोमो यहाँ पे रख देंगे उस वक्त ये स्टिक होने का डर होता है, इसलिए ये तेल से स्टिक नहीं होने देते, और थोड़ा टेस्टी भी होता है मोमो। इसके लिए हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। और ये बेला हुआ छोटा छोटा वो राउंड वो पूरी में हम ये कीमा डाल के ऐसी करके क्रीज करेंगे। और मोमो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमो आर देयर इन माउंटेन, यू कैन फाइंड द फर्स्ट वन इज अनदर वन जो आपने देख लिया, दूसरा डिज़ाइन का है, और सेकेंड वन बन रहा है अब दूसरा डिज़ाइन का। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मोमोज यू कैन फाइंड इन हिल्स। तो दूसरा टाइप का देखिए, ये दूसरा टाइप का है, थोड़ा इसका क्रीज बड़ा बड़ा है, पहले का क्रीज थोड़ा छोटा छोटा था, अब ये बड़ा बड़ा है।
अब वो देखिए फिर दूसरा टाइप का मोमो है ये। इसको हम स्पेशली माउंटेन में माउस मोमो बोलते हैं इसको, क्योंकि ये माउस की माफिक है ना, रैट के माफिक है, इसलिए इसको हम माउस मोमो बोलते हैं। ये भी डिज़ाइन, एक डिज़ाइन है, दूसरा डिज़ाइन, ये दूसरा डिज़ाइन है जो छोटा छोटा फ्रीज है, बारीक बारीक फ्रीज है इसका, वो दूसरा टाइप का है। और देखिए थर्ड टाइप, दिस इज कॉल्ड सिया फाले मोमो। सिया मीन्स इन टिबेटन मांस, और फाले मीन्स रोटी। सो इसमें एक्चुअली सिया उसको वो मांस देके बनाते हैं, हाँ, इसीलिए इसको सिया फाले बोलते हैं। तो यही डिज़ाइन में मोमो बनाए, इसमें तो सिया नहीं है, मांस नहीं है, फिर भी इसको सिया फाले मोमो हम डिज़ाइन में बना के रखते हैं। और ज़रा तीन टाइप का हो गया अभी मोमो, अभी तक ये बड़ा वाला क्रीज, ये बड़ा वाला है, बड़ा बड़ा क्रीज है, ये बड़ा बड़ा क्रीज है इसमें, देखिए। और ये दूसरा टाइप का बन रहा है, देखिए दो साइड से क्रीज करेंगे इसको, एक साइड से नहीं, दो साइड से, और उसको ऐसे करके गोल आकार में रख देंगे। ये फिर दूसरा टाइप का है, ये दूसरा टाइप है, इसमें पर्क डालते हैं स्पेशली, यहाँ पे पर्क का मीट डालते हैं इसके अंदर, इसीलिए इसको पर्क मोमो बोलते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप का मोमो है, इसका पर्क मोमो सेप बोलते हैं, और इसको बोलते हैं श्याफाले मोमो, और इसका बोलते हैं बड़ा वाला क्रीज वाला मोमो। तीन टाइप का हो गया। अब इसको ढक्कन देके इसमें सजा के अब गैस में बिठा देंगे। और पहले से ही मैंने वो मुकटू में थोड़ा सा पानी, सूप के लिए पानी डाल के उबाल दिया है, तो 15 से 20 मिनट्स तक रखने से हो जाएगा, पक जाएगा। अब ये 15 और 20 मिनट्स हो गया, अब पक गया है, अब रेडी टू ईट। अब मैं निकाल रही हूँ, प्लेट में सजा रही हूँ। अब इसके अंदर देखिए पक्का है कि नहीं, हाँ ये प्रिपेयर हो गया, पक गया, अच्छी तरह से पक गया, देखिए। इसकी अच्छी तरह से सजाने का भी एक होता है मोमो को, इसको अच्छी तरह से सजाएंगे प्लेट में। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मोमोज, देखिए अच्छी तरह से, हाँ। अब डिफरेंट टाइप का मोमो के साथ हम चटनी बनाएंगे। और चटनी के लिए दो टोमेटो लिया मैंने, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और दो डल्ले खुरसानी, ये जो फेमस है पहाड़ में, ये ऑर्गेनिक है फिर, और थोड़ा सा सॉल्ट, और ये सब को मिला के हम मिक्सी में डाल रहे हैं, और थोड़ी देर इसको घुरा के अब मिक्स कर रहे हैं, और ये चटनी रेडी हो गया, तैयार है। अब ये चटनी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ लीजा मैम को, सर्व कर रही हूँ लीजा मैम को। लीजा मैम कैसा हुआ ये टेस्ट करके बताइएगा। बहुत यम्मी है। हाय, आई एम फ्रॉम येलो बैम्बो सीटोंग से बोल रही हूँ, और आज यही खाना बना के आपको परोस रही हूँ। आज रेसिपी दिया है मोमो के, इसके हेल्प करने के लिए मुझे सहेली मीनू खवास ने। आप भी एंजॉय कीजिए घर में बना के और खाइए। थैंक यू।